हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम चैप्टर 9। बच्चों, चैप्टर 9 जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है, वी हैव फिनिश्ड इट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट फ्रॉम चैप्टर 9। ओके चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट। द टॉपिक इज हैबिटेट। वॉट इज हैबिटेट? बच्चों, हैबिटेट के बारे में आप यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस इन क्लास 4 एंड 5। ओके चिल्ड्रन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिफर टू लिव इन दोज प्लेसेस विच आर बेस्ट सूटेड टू देयर नीड्स। यानी कि हैबिटेट को अगर हम डिफाइन करें तो हैबिटेट वो सराउंडिंग है, वो प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। द प्लेस और सराउंडिंग्स वेयर ए प्लांट और एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। एक्चुअली हैबिटेट मीन्स ड्यूलिंग प्लेसेस और होम। हैबिटेट का मतलब होता है घर या शेल्टर। ए हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड प्लेस फॉर ब्रीडिंग टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट। इन फैक्ट ए हैबिटेट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द ऑर्गेनिज्म विच दे नीड टू लिव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। यानी कि डिफरेंट प्रकार के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे कि सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट्स आर डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन, फील्ड्स, सॉइल, होम, ट्री, पॉन्ड, लेक, ओशियन, रिवर, सीशोर एक्सेट्रा। ए प्लांट और एनिमल इज अडेप्टेड टू द सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। ऑल द हैबिटेट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप। यानी कि हैबिटेट को हम दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट्स। लैंड बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बच्चों, हैबिटेट जो होता है वो दो ग्रुप में डिवाइड होता है, टू टाइप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि ऐसे जानवर, ऐसा हैबिटेट जो ज़मीन पर होता है, और एक्वाटिक यानी कि ऐसा हैबिटेट जो पानी में होता है। ओके चिल्ड्रन, द वर्ड टेरा इन लैटिन लैंग्वेज मीन्स लैंड और ग्राउंड। दस द प्लांट एंड एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसलिए लैंड पे पाए जाने वाले जानवर या रहने वाले जानवरों को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, सम टेक्स्ट आर मिसिंग हियर, नॉट क्लियर, लेट मी टेल यू। एक्सप्लेन, एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर डेजर्ट, माउंटेन, हिल्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन। यानी जितने भी भूमि पर पाए जाने वाले हैबिटेट होते हैं वो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आते हैं। ए कैक्टस प्लांट्स एंड ए कैमल लिव इन अ ड्राई लैंड कॉल्ड डेजर्ट। सो वी कैन से द कैक्टस एंड कैमल लिव इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कॉल्ड डेजर्ट। द नेक्स्ट, ए वाटर बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। यानी कि ऐसा हैबिटेट जो वाटर में होता है दैट इज कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। द वर्ड एक्वा इन लैटिन लैंग्वेज मीन्स वाटर। दस द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन वाटर सेड टू बी लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड, लेक, रिवर, स्वैम्प्स एंड ओशियन, सी। ए लोटस प्लांट एंड ए फिश लिव इन वाटर, सो वी कैन से दैट लोटस प्लांट एंड फिश लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट। ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट थिंग। द टाइप ऑफ हैबिटेट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। द प्लांट्स ग्रो बेटर एंड सर्वाइव लॉन्गर इन द पर्टिकुलर हैबिटेट। यानी कि जानवर जिस हैबिटेट में अपने आप को पर्टिकुलरली सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे वो अधिक दिनों तक जीवित भी रहते हैं, उन्हें सारी चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं विच दे आर अडेप्टेड। सम प्लांट्स प्रिफर टू लिव इन हॉट एंड ड्राई एरिया। क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हॉट और ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कैक्टस प्लांट्स ग्रो एंड सर्वाइव वेल इन हॉट एंड ड्राई एरिया ऑफ डेजर्ट। जिस प्रकार से कैक्टस अपने आप को एक हॉट और ड्राई एरिया में सर्वाइव कर पाता है, लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोटस वहाँ लगा देंगे तो दे कैनॉट सर्वाइव बिकॉज दे हैव डिफरेंट फीचर्स। ओके चिल्ड्रन,
So the habitat of a cactus plants in desert. On the other hand, some plants prefer to live in water. कुछ ऐसे पौधे हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं, यानी पानी में रहते हैं. For example, lotus plants grow and live in water of a pond. It cannot survive without sufficient water. यानी कि लोटस जो है वो पानी में रहता है, लेकिन अगर हम उसे बहुत कम पानी में रखते हैं तब भी वो जीवित नहीं रहता है, बिकॉज इट नीड्स सफिशियंट वाटर. यानी बहुत अधिक पानी में लोटस, आपने देखा होगा कि काफ़ी गड्ढे जैसा होता है या तालाब होता है, उसके अंदर लोटस होते हैं. सो द हैबिटेट ऑफ लोटस प्लांट इन इज़ अ पॉन्ड. सम ऑफ द कॉमन प्लांट्स आर देयर हैबिटेट गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स और उनके हैबिटेट्स भी दिए हुए. यू कैन सी लोटस का हैबिटेट है पॉन्ड, कैक्टस डेजर्ट, रोज गार्डन, ओक ट्री माउंटेन्स और हिल्स, कोकोनट ट्री शीशोर, सनफ्लावर फील्ड्स, सीवीड सी, हाइड्रिला पॉन्ड, एल्गे पॉन्ड, वाटर लिली पॉन्ड. तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैबिटेट जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. लेट अस सी, द फिश इज एन एनिमल विच लिव इन वाटर. इट कैनॉट लिव विदाउट सफिशियंट वाटर. सो द हैबिटेट ऑफ अ फिश कैन बी पॉन्ड, लेक, रिवर. चिल्ड्रन यू कैन अंडरस्टैंड, यानी जो फिश है वो एक प्रकार का वाटर एनिमल है और उसे अगर हम पानी में नहीं रखते हैं तो इट कैनॉट सर्वाइव. ऑन द अदर हैंड कैमल एंड इज एन एनिमल विच इज अडेप्टेड टू सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड. एक तरफ फिश है जो कि बहुत अधिक पानी उसको चाहिए, और एक तरफ कैमल है जिसको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है और वो काफ़ी समय तक सर्वाइव कर पाता है, वो भी डेजर्ट में. द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज डेजर्ट एंड बर्ड हैज एंड ए बर्ड हैज़ अ हैबिटेट माइट बी अ ट्री, सम कॉमन एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स गिवन बिलो. यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, टेबल, देयर इज अ टेबल. फिश का हैबिटेट है पॉन्ड, लेक, रिवर. कैमल डेजर्ट, टाइगर फॉरेस्ट, फ्रॉग पॉन्ड, ऑक्टोपस सी, वेल सी, अर्थवर्म सॉइल, स्क्वारल ट्री, रैट फील्ड्स और होम्स, स्नेक फील्ड्स एंड फॉरेस्ट. सो चिल्ड्रेन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. कभी कभी क्या होता है कि सेम हैबिटेट को बहुत सारे जानवर मिलकर शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पॉन्ड हैबिटेट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स सच एज एल्गे, हाइड्रिला, वाटर लिली, वाटर हिंच एंड सम वीड्स ऑल्सो. द पॉन्ड्स हैबिटेट हैज़ ऑल्सो मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स सच एज फिश, फ्रॉग, टर्टल, वाटर स्पाइडर, वाटर स्टेकर, स्केटर, स्नेल्स एक्सेट्रा. यानी कि कुछ ऐसे हैबिटेट होते हैं जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं. ओके चिल्ड्रेन, इवन द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम आर फाउंड इन द पॉन्ड हैबिटेट. इन फैक्ट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर इन एंड अराउंड द पॉन्ड ऑफ वाटर शेयर द सेम हैबिटेट. द पॉन्ड हैबिटेट इज शोन इन द फिगर. ओके चिल्ड्रन, ए हैबिटेट डज दो ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम हैबिटेट बट देयर फूड हैबिट आर डिफरेंट. यानी कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक ही हैबिटेट को शेयर करते हैं, बट उनके जो लिविंग हैबिट है और फूड ईटिंग हैबिट है वो सब डिफरेंट होते हैं. ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म फेस less competition for food. This helps in survival of all the organism in habitat. इस प्रकार से उनका जो भोजन होता है वो डिफरेंट होता है, सो वो आसानी से अपने आप को एक ही हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं. सपोज दैट अगर भोजन भी एक ही होता, हैबिटेट भी एक ही होता, तो उन्हें जीवित रहने में काफ़ी परेशानी होती, बिकॉज एवरीबडी नीड्स द सेम फूड. ओके चिल्ड्रन, A habitat does not consist of only living organism. In a habitat, soil, water, air, light, temperature and many other components of physical environment are also present. Thus, a habitat includes the both biotic and abiotic components of the environment.
The habitat also includes the interaction between biotic and abiotic components of environment. So children, I'm going to close this video. In the next video, I will teach you about biotic component and abiotic component. Okay, children? Thank you.